हेलो फ्रेंड्स, मैं निकिता, संध्या सोशल एक्सपर्ट से। आज हमारे साथ है संध्या मेडिसिटी से पंचकर्मा स्पेशलिस्ट डॉक्टर रजनी गुप्ता। आज हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रजनी गुप्ता संध्या मेडिसिटी से। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। आजकल बहुत सारे लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। आमतौर पर हम देखते हैं जो भी पेशेंट्स हमारे ओपीडीज में आता है या घरों में भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कब्ज की दिक्कत रहती है। कब्ज अगर कोई इंसान कम पानी लेता है या खाने में बाहर का खाना फास्ट फूड जो है वो ज़्यादा लेता है तो उसकी इंटेस्टाइंस प्रॉपरली काम नहीं कर पाती और उसे कब्ज हो जाती है। कब्ज सुबह उठ के अगर आपको एक बार में पूरा पेट साफ नहीं होता है तो कहते हैं, कई बार लैट्रिन टाइट आती है और कई बार कई पेशेंट्स को एक बार ना जाके दो तीन बार पेट साफ करने के लिए जाना पड़ता है, उसको भी हम कब्ज ही कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हमारी सभी बीमारियों की जड़ है। अगर आपको कब्ज रहती है तो उसकी वजह से आपको पाइल्स की दिक्कत हो जाएगी, फिशर की प्रॉब्लम हो जाएगी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, एब्डोमन पेन होगा, हेडेक होगा और आपके जॉइंट्स में भी पेन हो सकता है, क्योंकि कब्ज रहने से हमारी आंतों में आँव इकट्ठा हो जाता है। अगर आँव इकट्ठा होगा तो कई तरह की बीमारियाँ जो है वो हमें घेर लेंगी। आमतौर पे लोग कई बार रात को एक चूर्ण नित्यम लेते हैं जिनसे उनका पेट साफ होता है और कुछ टाइम के बाद उनको इसकी हैबिट हो जाती है। कुछ लोग सुबह उठ के गर्म पानी लेते हैं, उसकी के बाद उनको मोशन पास होता है। देखिए, कब्ज होने का जो कारण है वो हमारा असमय आहार। अगर हम इनप्रॉपर डाइट लेते हैं, टाइम से खाना नहीं खाते हैं और खाने में हमारे फाइबर डाइट नहीं है, तब कब्ज होती है। अगर आपको कब्ज रह रही है तो उसके लिए आपको पानी की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। जैसे अगर हम दो चपाती खाते हैं, उसको एक कटोरे पानी में अगर हम भिगोते हैं तो वो कितनी जल्दी मैश हो जाती है, उसी तरह दो चपाती को आप आधे गिलास पानी में भिगो के देखिए तो उसको कितना टाइम लगता है सॉफ्ट होने के लिए। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी रहेगी तो हमें कब्ज की परेशानी ज़्यादा रहेगी। जिस भी लोग को कब्ज की प्रॉब्लम रहती है उनको पानी की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। हमारे शरीर को पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। अगर पानी ज़्यादा पियेंगे तो शरीर के जितने भी हमारे एब्डोमन में से हमारे, जब हम कोई खाना खाते हैं तो ये मुँह ग्रासिका की नली के साथ ये हमारे स्टोमक में जाता है। स्टोमक का मेन काम है, ये कुछ एसिड सेक्रेट करता है जैसे HCl, पेप्सिन, ये सब ब्रेक डाउन करते हैं पेप्सिनोजन प्रोटीन वगैरह में। हमारा राइट साइड पे लीवर रहता है। लीवर का मेन काम जो है ये हमारे खाने की पचाने की शक्ति को बढ़ाता है। कुछ चीज़ें जो हम खाने में लेते हैं वो हमारे स्टोमक में डाइजेस्ट होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे लीवर में डाइजेस्ट होती है। मैक्सिमम ऑफ द प्रोटीन पार्ट जो है वो हमारे लीवर में जाकर डाइजेस्ट होता है। उसके बाद जो हमें प्रोटीन पार्ट मैक्सिमम हमारे लीवर में डाइजेस्ट होता है, लीवर से खाना कुछ पार्ट जो है वो हमारे इंटेस्टाइंस में जाकर डाइजेस्ट होता है। अगर हमारी आंतें सही से काम नहीं कर रही हैं और इसमें प्रोटीन हमारे वाटर की प्रॉपर क्वांटिटी में अगर नहीं ले रहे हैं तो हमारा जो मल है वो यहीं पे स्टक हो जाएगा, यहाँ से वो बाहर नहीं आएगा। पेशेंट को फील तो होता है कि पॉटी बनी है, पॉटी का प्रेशर हो रहा है, पर पॉटी वो बाहर नहीं निकलती है, उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें अगर हम कुछ ऐसी मेडिसिंस को लेते हैं जो लेक्सेटिव काम करती हैं, उनका मेन काम रहता है वो हमारे इंटेस्टाइंस की पैरास्टेटिक मूवमेंट्स को बढ़ा देती है। पैरास्टेटिक मूवमेंट्स हमारे इंटेस्टाइंस में विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनकी मूवमेंट से हमारा लैट्रिन जो है वो बाहर निकल जाती है। अगर किसी पेशेंट को लगातार कब्ज की परेशानी रहती है तो उसमें आयुर्वेद का जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट काम करता है वो बस्ती का ट्रीटमेंट काम करता है। दिल्ली में हमारे सेंटर्स में, किसी भी सेंटर्स में अगर आप जाते हैं तो हम एनीमा का ट्रीटमेंट उसमें प्रेफर करते हैं। एनीमा देने से लैट्रिन के रास्ते से कुछ जड़ी बूटियों की दवाई डाली जाती है जो हमारे इंटेस्टाइंस में जाती हैं और यहाँ की पैरास्टेटिक मूवमेंट्स को इनक्रीज़ कर देती है। पैरास्टेटिक मूवमेंट्स जब इंक्रीज़ हो जाएगी तो जितना भी लैट्रिन हमारे अंदर पड़ा हुआ है वो फ्लश होकर लैट्रिन के रास्ते से बाहर आ जाएगा। इसमें जड़ी बूटियों का जो एनीमा दिया जाता है उसमें अनुवासन बस्ती और अस्थापन बस्ती दो तरह से एनीमास को दिया जाता है।
कुछ ऑयल्स के एनीमाज होते हैं, कई जड़ी बूटियों के एनीमाज होते हैं, वो पेशेंट को दिए जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ खाने की दवाइयाँ हैं, जैसे कॉन्स्टिक्योर पाउडर आता है, उसको एक एक चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से अगर आप लेते हैं तो आपके पेट की अच्छे से सफाई हो जाएगी। इसके साथ साथ आप एरंड ऑयल ले सकते हैं, कैस्टर ऑयल जिसको आम दुनिया जानती है, उसको भी गर्म दूध के साथ अगर हम रात को लेते हैं तो पेट जो है वो अच्छे से साफ हो जाता है। पेट साफ होना ही नहीं है, अगर आपको कब्ज की दिक्कत रहती है तो आपको कई तरह की बीमारियाँ होंगी। उसके लिए हमें पेट साफ होने के साथ साथ कब्ज की बीमारी रहती है तो आपको लैक्सेटिव मेडिसिन ही नहीं लेने हैं, आपको कुछ ऐसी चीज़ें लेनी हैं जो आपके खाने को प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सके, पचा सके। उसके लिए आप गैस बोना केयर पाउडर एक चम्मच खाने के साथ देसी घी में मिला के लेंगे। इसको खाने के साथ लेने से खाना आपका प्रॉपर डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा और खाना अच्छी तरह से पचेगा तो मोशन सही आएगा। इसके साथ साथ नाभि पे हम एक ऑयल है हमारा नेवल ऑयल, उस ऑयल को नाभि पे लगाएंगे। इसके साथ साथ नाभि पे लगाने के लिए हमारा एक ऑयल आता है नेवल केयर ऑयल, उसको नाभि पे लगाना चाहिए। नाभि पे ऑयल लगाने से हमारे ये एब्जॉर्ब होगा हमारे अंदर, क्योंकि नाभि हमारा सोलर प्लेक्सिस की तरह काम करती है, ये हमारा अग्नि की तरह काम करती है। अगर अग्नि जलेगी तो खाना हमारा प्रॉपर डाइजेस्ट होगा, और अगर अग्नि नहीं जलेगी तो खाना हमारा प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए नेवल का केयर करना बहुत ज़रूरी है। नाभि पे 4 से 5 बूंदें लगा के इसको हल्के से मसाज की जाती है। इसके बाद पाउडर आता है कॉन्स्टिक्योर पाउडर, जिसको रात को एक चम्मच गर्म पानी के साथ लेना है। इसको लेने के बाद साथ साथ हम कॉन्स्टिक्योर पाउडर एक एक चम्मच रात को गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसे लीवर की मेडिसिन लेनी है जो हमारे खाने के पचाने की शक्ति को बनाए रखे। उसके लिए लीव केयर के टैबलेट्स आती हैं, जो एक एक टैबलेट खाना खाने से पहले गर्म पानी के साथ ली जा सकती है। ये 4 तरह के कॉम्बिनेशन में मेडिसिन हैं, जिसमें 2 पाउडर्स हैं, एक ऑयल है और एक टैबलेट है। इसका अगर हम 3 महीने तक लगातार इस्तेमाल करते हैं और साथ में बस्ती का ट्रीटमेंट हम लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको रिच फाइबर डाइट लेनी चाहिए, जिसमें अंजीर मुनक्का रात को भिगो के सुबह गर्म पानी के साथ उसको ले लेना चाहिए। इसके साथ साथ सुबह उठते ही गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। रात को सोते समय दूध में जीरा डाल के भी लिया जा सकता है, ये बहुत ही अच्छा लैक्सेटिव काम करता है। जीरा दीपन और पाचन काम करता है, जो हमारे डाइजेशन को बनाए रखता है। अगर आपको कब्ज की दिक्कत रहती है तो आपको रात को दूध में, गर्म दूध में जीरे का इस्तेमाल करना चाहिए। इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी कब्ज की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और हमारे किसी भी सेंटर पे जाके आप हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ मिल सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपरली ले सकते हैं। थैंक यू। उसे हम कब्ज